बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खामसीन हाजर आपको खुश आमदीद कहता है। एक बड़ी आज दिल खराश खबर और बड़ी अफसरदा खबर के साथ कि हमारे मोहसिन जनाब लतीफ फरीदी साहब, जो सबका सदर सुप्रीम कोर्ट, सबका MLA और रानमा, उनका जो बेदर्दी से कत्ल किया गया, तो हम तमाम बहाली मुलाजमीन जो है हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और तमाम मिलकर हम उसके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जो उनके कातिल हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाए। तो मैं आगे चल के नाज़रीन आपको बताऊंगा कि जो हमारी बहाली मुलाजमीन की मीटिंग जो 1819 को पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाई है उसमें क्या होने जा रहा है और ये मीटिंग अहमियत के लिहाज से कितनी अहम है। लेकिन उससे पहले मैं ये बात ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि लाला लतीफ फरीदी साहब का जो कंट्रीब्यूशन था हमारी बहाली तारीख में, हम उसको फरामोश नहीं कर सकते। सबसे पहले जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि सुप्रीम कोर्ट बार में और हाई कोर्ट बार में जो हमारे हक में मुश्तरका तौर पे करारदादे पास की, जिससे हमारा एक मेमोरेंडम बना और जिस तरह अंदाज में उसने हमारा केस जो है वो मीडिया के ऊपर और बार के ऊपर किया, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं क्योंकि हम अपने मौसनों को नहीं बोलते। आज हम सब अफसरदा हैं और हम इस दर्दनाक वाक़े की जितनी भी मजम्मत कर सके वो कम है। अब नाज़रीन मैं अपने बाली मुलाजमीन के असल मौजू की तरफ आता हूँ कि 18-19 जनवरी को जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी मीटिंग बुलाई है, जिसके अदारों को नोटिस जारी हो चुके हैं, और ये जो मीटिंग है ये कितनी अहमियत की हामिल है तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। मेरी वीडियोस को पूरा देखिएगा और पूरा सुनिएगा ताकि आपको हर बात की जो समझ आ सके। इसमें एक बहुत खूबसूरत जो इस नोटिस को जब मैंने देखा और जब मैंने पढ़ा तो इसमें एक बहुत खूबसूरत जो चीज़ मुझे देखने को मिली वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। वो ये थी कि इसमें उन्होंने जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड अदारे हैं, जिसमें सेक्टरी फाइनेंस है, जिसमें DG ऑडिट है, जिसमें DG अकाउंटेंट है, और जितने भी फाइनेंस मैटर को डील करते हैं उनको भी नोटिस जारी हुए हैं कि वो भी इस मीटिंग में शामिल हों। उसकी वजह क्या है कि मैं पार्लियामेंट्री कमेटी की जो दूरअंदेशी है, अब खास तौर पे डॉक्टर कादर मंदूखेल साहब का जो जहानत है मैं उसकी दाद देता हूँ, क्योंकि जो अदारे हैं ये आपको मालूम है कि ये फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर जो अपनी बहाना साजी कर रहे हैं और कमेटी को एक्सक्यूज अपने पेश कर रहे हैं, तो डॉक्टर कादर मंदूखेल ने जो फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं उनको बुलाकर ये इसमें शामिल किया गया है कि जो भी इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है और इनकी तनख्वाहें, इनकी सीनियरिटी, इनकी प्रमोशन, इनकी लेंथ ऑफ सर्विसेज का, तो वो जितना बनता है वो हुकूमत पाकिस्तान जो एक कंसेंसस पैदा हो चुका है वज़ीर आज़म और तमाम सियासी जमातों में जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस पेज पे लाया। तो अब जैसा कि आपको कहा कि कमेटी ने बहुत सारे नोटिस इशू किए, अदारों को बहुत सारी हदायत जारी की कि आप इन सिफारिशात पे अमल करके हमें रिपोर्ट दें, लेकिन अदारों ने हमेशा बहाना साजी से काम लेते हुए, हिलो हुज्जत से काम लेते हुए इसको डिले करते आ रहे। तो ये अब हमारा केस अब फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है और पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो 18-19 जनवरी को जो तारीख मुकर्रर की है इस पे आपके सारे फैसले हो जाएंगे, क्योंकि इसमें फाइनेंस कमेटी के भी वो तमाम लोग शामिल हैं जिन्होंने आपकी तनख्वाहों का
तयन करना है और सेक्टिव अनाउंसमेंट जो जो इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट पैनल है वो भी सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो नया दोस्तों कोई ऐसी मायूसी की बात नहीं है, कमेटी बहुत संजीदा है, बहुत सीरियस है और इस इश्यू को उन्होंने सिर्फ इसीलिए उठाया था ताकि आप लोगों की दादरसी हो सके और जब तक आपकी दादरसी नहीं होगी ये कमेटी उसी वक्त तक मुतहरक भी रहेगी और आखिरी मुलाजमीन के आखिरी हद तक अमल दरामद करा के तो ये कमेटी जो है वो सांस लेगी। ये हमें कभी यकीन है कि ये कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूट हुई ना तो ये हमारी रिक्वेस्ट पे हुई ना हमने ये रिक्वेस्ट की, ये उस वक्त की जो हमसे वादे वहीद किए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत में जिसमें डॉक्टर कादर मंदू खेल सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब साथ तशरीफ लाए थे तो वो अपने उस ऐलान की पासदारी करते हुए ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो 18-19 की मीटिंग है उसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन जारी हो जाएंगी और जो इन्फ्लुएंसी इंपैक्ट का बहाना बना रहे हैं वो भी इनके एक्सक्यूज खत्म हो जाएगी और आपकी सीनियरिटी प्रमोशन और पे फिक्सेशन का जो मसला है वो इंशाल्लाह होपफुली जैसा मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि इस हफ्ता जो कमिंग हफ्ता है इसमें सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इस हवाले से कमेटी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इसमें हरकत में आ चुका है। अब जो 13 जनवरी को लेटर जारी हुआ वो लेटर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कितनी अहमियत का हामिल था। वो लॉर्ड जस्टिस मिनिस्ट्री की तरफ से दारों को जारी हुआ और इसमें अब ये हुआ कि लॉर्ड जस्टिस की मिनिस्ट्री भी जो है वो इसमें शामिल हो चुकी है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसके मुताबिक इन भाली मुलाजमीन का जो हक बनता है वो अदारे इनको दें। तो इस तरह लॉर्ड जस्टिस के अदारे भी फोर्सेस, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी और खास तौर पर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो भी, अब सारे अदारे मिलकर जो है अदारों के जो सरबराह है उनको वो लेटर लिख चुके हैं कि आप इन पर अमल दरामद करें। तो इंशाल्लाह होपफुली मैं आप तमाम दोस्तों को ये यकीन दिलाता हूं कि ये जो हफ्ता है ये हमारे लिए खुशखबरी का हफ्ता होगा और इंशाल्लाह ताला आप मुलाजमीन ने जितनी अरसा 20 साल आपने तकलीफें में गुजारी, जिस महरूमी में गुजारी, अदारों में जिस तरह आपने आपको एक अलहदा रखा गया, तो आज वो वक्त आ चुका है कि आपकी हैसियत को आपकी शख्सियत को अदारे आप मानेंगे भी और आपका जायज हक देंगे भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और हुकूमत वक्त के फैसले के बाद अदारों के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला ये थी अपडेट जो 18 और 19 जनवरी के मुतल्लक। तो होपफुली इसमें ये मैं समझता हूँ कि ये आखिरी मीटिंग कमेटी की होगी, इसके बाद आपके अमल दरामद का जो सिलसिला है वो अदारों में शुरू हो जाएगा और आपकी जो पे फिक्सेशन सीनियरिटीज और ख़ास तौर पर अब लेंथ ऑफ सर्विस के ये मामला तय हो जाएंगे। तो खावर सलीम आपसे इजाज़त चाहता है, इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में जो भी अपडेट होगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को आप देख सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।